स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी के ऊपर. सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. सो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था, उसका एक रिपीट करता हूं क्लास को. जैसे रूट सिस्टम, हम जानते हैं तीन टाइप की सिस्टम है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, फिर उसके भी आगे हो सकते हैं. तो फिलहाल हम लोग रूट सिस्टम की बात करेंगे. एक बार और देखो, रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं. एक तो ये रूट सिस्टम है आपकी ट्रू रूट, और दूसरा हो गया फॉल्स रूट. ट्रू रूट एंड फॉल्स रूट. अब ट्रू रूट का मतलब क्या है? ट्रू रूट का मतलब है रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल से जो रूट अराइज करते हैं उसको कहते हैं ट्रू रूट. जैसे हम जानते हैं कि एम्ब्रायो में, अगर हम सीड में एम्ब्रायो है और एम्ब्रायो में देखें तो एम्ब्रायो में दो पार्ट होता है. एक होता है प्लीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल. प्लीम्यूल क्या रेज करते हैं? स्टेम. प्लीम्यूल रेजेस द स्टेम. और रेडिकल क्या रेज करता है? रूट. तो रूट जो रेडिकल से रेज करेगा उसको कहेंगे ट्रू रूट सिस्टम. और जो रूट रेडिकल छोड़ के और किसी से भी अराइज करेंगे सो हम कहेंगे रूट अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट्स अदर देन रूट. वो कुछ भी हो सकता है. से फॉर एग्जाम्पल, वो लीफ हो सकते हैं, वो स्टेम हो सकता है, वो ब्रांच हो सकते हैं, ठीक. लेकिन ये अदर देन रेडिकल्स रूट, रेडिकल रूट. अच्छा, अदर देन इसको कहेंगे रूट नहीं, वी विल से इट अदर देन रेडिकल. कंप्लीट है तब. सो अदर देन रेडिकल, एक बार और क्लियर से लिखते हैं हैंडराइटिंग को. अदर देन रेडिकल. सो अदर देन रेडिकल जो भी रूट अराइज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे फॉल्स रूट. अब आगे चल के भी रूट सिस्टम को हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे. रूट सिस्टम को नंबर वन, दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. टैप रूट में क्या होगा? द स्ट्रक्चर में, ट्रैप रूट में ये होगा कि सबसे नीचे से अगर हम बात करें उसमें रूट कैप होगा. रूट कैप होगा. रूट कैप का नाम हमने क्या बताया था? रेडिकल, सॉरी कैलिप्ट्रा. रूट कैप इज कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा. दूसरा, रूट का नेक्स्ट जोन क्या होगा? देर आर फाइव जोन्स. मैं ये जोन वाइज बात कर रहा हूं. फाइव जोन्स यहां लिख देता हूं, फाइव जोन्स ऑफ रूट, तभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई. तो रूट कैप है. उसके बाद इसकी मेरिस्टेमेटिक जोन है. मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक जोन है. और तीसरा, इलोंगेशन जोन है. चौथा, रूट हेयर का जोन है. इसी जगह से रूट हेयर अराइज करते हैं. एंड फिफ्थ इज द मैच्योरेशन जोन. मैच्योर करते हैं, मैच्योरेशन जोन. तो पांच जोन हो गया. तो टैप रूट की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? रूट कैप होगा. दूसरा,
रूट कैप के साथ साथ वन बी, इसमें सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट होगा। सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी रूट, देखो वन के साथ मैंने जोड़ दिया सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट होगा इसमें, एंड वन सी टर्शियरी रूट होगा। अब देखो लेमैन लैंग्वेज में समझो सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है। सेकेंडरी रूट का मतलब है रूट ब्रांचेस, फर्स्ट रूट ब्रांच। ये जगह मैंने पिक्चर के लिए छोड़ा है, और टर्शियरी रूट का मतलब है सेकेंड रूट ब्रांच। अगर हम इस तरह का रूट को एक ड्रॉ करें, नाउ दिस इज द रूट, टैप रूट सिस्टम, तो इस जगह पे, इसी जगह पे उसका रूट का कैप रहते, रूट कैप, दिस इज कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा। इसको क्या कहेंगे, कैलिप्ट्रा। और इस कैलिप्ट्रा रीजन के अंदर रूट में देयर विल बी मेरिस्टेमेटिक जोन। ये जोन जो है, दिस इज एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां पर कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होते रहते हैं। सो वी विल से दिस इज दी मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक जोन। उसके बाद ये जगह, इतना सा जगह में कुछ भी नहीं है, ये जगह आपका रूट ऑफ इलांगेशन, आई मीन जोन ऑफ इलांगेशन, ये जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ इलांगेशन के बाद इसी जगह से आपका रूट हेयर राइज करते हैं, रूट हेयर, ठीक है। सो दीज आर द जोन ऑफ द रूट हेयर्स, तो ये रूट हेयर्स। और इसके बाद का जो जगह है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये जगह जो आप देख रहे हो, ये जगह, नाउ दिस इज द सॉइल, राइट, दिस इज द सॉइल। अब ये जगह जो है, दिस इज मैच्योर जोन, मैच्योर जोन और जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी रूट की बात करेंगे, तो इसी जगह पे हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं। सेकेंडरी रूट के अगर हम बात करेंगे, सपोज दिस इज दी टैप रूट सिस्टम, और इससे ना इस टाइप का रूट निकल के आएंगे, इस टाइप का रूट सेकेंडरी निकल के आएंगे, ठीक है। ये तरह तरह जगह में फैल जाएंगे मिट्टी में। नाउ दिस इज द फास्ट ब्रांच ऑफ द रूट विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। अब टर्शियरी रूट किसको कहेंगे, देखो हम ब्लैक से ड्रॉ करेंगे। टर्शियरी रूट मतलब इसका ब्रांच निकल के आएंगे, इस तरह का ब्रांच निकल के आएंगे, दीज आर कॉल्ड एज टर्शियरी रूट। ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं, ये टर्शियरी रूट है, सेकेंड ब्रांचेस रूट का। सो ये हो गया टर्शियरी रूट टी, और रेड में हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी रूट एस। नाउ अब हम लोग ये देख लिया रूट टैप रूट सिस्टम का, अब आते हैं हम एडवेंटी